लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है अब, सुने। हमारे बड़ भैया धुन गा रहे थे, अरे मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, ये कह रहे हैं हरियाणा वाले, सुनिए। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दो सब कुछ कुर्बान मैं। ओ मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली मैं तेरी ला दूं, बाजे बुरा जी बोल जा। हो राजी बोल जा, हाय राजी बोल जा, जड़ी में तेरी ला दूं, बाजे बुरा जी बोल जा। हो राजी बोल जा। कोरस वाले माइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पूरी रात आप इतनी सुंदर सी व्यवस्था बनाए, सुबह सुबह क्यों कंजूसी। बहुत सुंदर सी व्यवस्था है आपकी, बहुत सुंदर सा साउंड भी है। क्या बात है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कह रही हूँ, चार लाइनें पढ़ रही हूँ बड़े भैया, शायद ये आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आज का समय अगर देखा जाए तो आज देखने में ये मिलता है कि माता पिता खिला खिला और जिनको नहीं हारते वही उन्हें बोलियों की गोलियों से मारते। बचपन में माता पिता जिनको नहीं खिला खिला हारते वही आज उन्हें बोलियों की गोलियों से मारते। जीते जी रहे लाले निवालों के रतन और मरने के बाद फोटो की आरती उतारते। आज का दौर ये हो गया है। लेकिन आइएगा खंडगीत मैं पढ़ रही हूं अपनी ओर से, हालांकि ये थोड़ा सा हास्य टाइप का खंडगीत है, प्रयास कर रही हूं, सुने। ओ बाबा मान जा, मंदिर में चार पांच संत रहा करते थे। वो भगवान भोलेनाथ के अनंत भक्त थे। उनका नित प्रतिदिन का यही काम था, एक चिलम बनाई और भगवान भोलेनाथ को प्रसाद लगाया और जो कुछ बचा सो स्वयं ने ग्रहण कर लिया। और जब ये रोज का काम बन गया, एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा, ये मुझे रोज प्रसाद लगाते हैं, क्यों ना एक दिन इनके बीच में जाकर प्रसाद ग्रहण किया जाए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ एक साधु का वेश धारण करके उन संतों के बीच पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे वो संत अपना रोज का काम करके जैसे ही देखा कि एक आज नए संत मंदिर में पधारे हैं, तो उस नए संत से कहने लगे, यानी भोले बाबा से कहने लगे, कहा
बाबा मान जा, हो बाबा मान जा, राजी बाजी से राजी हो, राजी बाबा मान जा। कहा बाबा मान जाइए, हम सब बाबा का प्रसाद ले रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का एक बार आप भी ले लीजिए। और जैसे इतना कहा कि आप भी ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, ना, ना। हम चिलम नहीं पीते। जैसे ही कहा हम चिलम नहीं पीते, वो संत कहने लगे बाबा बाबा नाली गांजा कली संत हो और कहते हो कि हम चिलम नहीं पीते, तो नाली गांजा कली तो नर से नारी भली, ओ नाली गांजा कली तो नर से नारी भली है, ना राजी या राजी बाबा मान जा। आखिर क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं हो गए? अगर नाराज हो गए तो मान जाइए, मान जाइए के बाबा मान जा, हो बाबा मान जा, राजी बाजी से राजी ओ राजी बाबा मान जा, ओ बाबा मान जा, राजी बाजी से राजी ओ राजी बाबा मान जा। कहा बाबा मान जा, मान जा, बाबा मान गए, चिलम पीने लगे। पहले मना कर रहे थे लेकिन अब पीने लगे, और जब पीने लगे तो फिर चिलमों की गिनती बढ़ती गई, अनगिनत चिलमे पी गए। और जैसे ही अनगिनत चिलमे पी गए, उन संतों ने सोचा हमने इनका एड्रेस तो पूछा ही नहीं, बाबा आखिर आए कहां से हैं। चिलम पीने के बाद वो एड्रेस पूछने लगे, कहा बाबा आप कहां से आए हैं, क्या नाम है। और जैसे ही पूछा कि कहां से आए हैं, तो भगवान भोलेनाथ बताने लगे, कहा सुनो, मैं ही हूं काशीवासी, मैं ही हो काशी वासी, वासी कैलाश का, मुझको ही मालिक मानो धरती आकाश का। कहा सुनो, इस संसार का मैं ही तो मालिक हूँ। और जैसे इतना कहा तो बाबा विचार करने लगे, वो संत विचार करने लगे, तो भोले बाबा कहने लगे और सुनो, मैं ही हूं कारण करता, करता कल्याण हो, मैं ही हूं कारण करता, करता कल्याण हो, मैं ही भोली का भोला, क्या बात है, क्या बात है? मैं ही भोली का भोला शंकर भगवान हूं। और जैसे ही इतना कहा कि मैं ही शंकर भगवान हूँ, वो संत सोचने लगे आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? हुई आफत बड़ी, हुई आफत बड़ी के चिलम इनको चढ़ी। लगता है बाबा बहुत पी गए हैं, चढ़ गई, चढ़ गई है, इसलिए स्वयं को शंकर भगवान बताने लगे। इसलिए हुई आफत बड़ी तो चिलम इनको चढ़ी, अब देना ना जी। पहले जो कह रहे थे कि बाबा मान जाइए, अब वो कह रहे हैं हुई आफत बड़ी तो चिलम इनको चढ़ी, अब देना ना जी के हाजी बाबा मान जा।
पहले कहा बाबा मान जाइए पी लीजिए, अब कह रहे हैं कि बाबा मान जाइए ना पीजिए। हुई आफत बड़ी तो चिलम इनको चढ़ी, अब देना ना जी के हाँ जी बाबा मान जाओ। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय।